मैं अभी रांची आई हुई हूँ और यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। इवन पंखा चलाने की भी जरूरत महसूस नहीं हो रही है। मम्मी को कुछ ना कुछ बनाने की इच्छा करती है और जब भी वो कुछ बनाती है तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है हमें खाने में। तो आज भी मम्मी अभी शाम के लिए कुछ बना रही है गर्मा गर्म। देखते हैं मम्मी क्या बना रही है हमारे लिए। मम्मी कैसे हो आप? अच्छी हो। आज आप हमारे लिए क्या बना रहे हो? नमकीन चूड़ा। नमकीन चूड़ा, वाओ, ये तो गर्मा गर्म खाने में बहुत ही मजा आता है। बहुत अच्छा मम्मी ये चूड़ा बहुत ही अच्छा बनाती है जो सभी को बहुत पसंद आता है और गर्मा गर्म खाने में तो और भी आनंद आता है। तो शाम के चाय के साथ मम्मी बना रही है। तो देखते हैं मम्मी ने उसके लिए क्या क्या लिया है। मम्मी अब आप क्या करोगे? रिफाइंड डालिए। मम्मी अब तेल डाल रही है कढ़ाई पे और ये नमकीन मम्मी बहुत कम तेल में बहुत सारा और बहुत स्वादिष्ट बनाती है। और गैस को ऑन कर रही है मम्मी। अब मम्मी कह रही है कि तेल को अच्छे से हमें गर्म करना है। ये बारीक वाला चूड़ा है, अरुआ चावल का चूड़ा है, बढ़िया चावल चूड़ा। और मूंगफली भी लाल वाली मूंगफली है। रांची में ये लाल वाली मूंगफली बहुत अच्छी मिलती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। ये काफी मीठा लगता है खाने में। तो मम्मी मूंगफली और चूड़ा इसे नमकीन बना रही है। फ्लावर देखिए आप कितना सुंदर मम्मी ने अरेंज किया है। ये भी हमारे घर के गमलों में ही हुआ हुआ है और बहुत ही शौक है पापा और मम्मी को फ्लावर और गार्डनिंग का। चूड़ा मम्मी ने करीब छोटे कटोरी से चार कटोरी ली है और मूंगफली एक कटोरी। वजन में देखें तो ये 250 ग्राम के आसपास है। ये मूंगफली जो है वो करीब 150 से 200 ग्राम के बीच में, आप अंदाज से ले लें। तेल गर्म हो गया है और क्या डाला मम्मी आपने? करी पत्ता डाला है मम्मी ने। तो मम्मी को हंसी भी आ रही है और मेरी मम्मी बहुत एनर्जेटिक है और अभी भी काम करने में पीछे नहीं रहती है। और ये नमकीन मम्मी खुद बनाती है जो कि सभी को बहुत अच्छा लगता है और विशेषकर भाई को बहुत ही पसंद आता है। तो करी पत्ता डाल चुकी है मम्मी। मूंगफली और चूड़ा को आप एक बार पहले अच्छी तरह से साफ कर लें। तो मम्मी ने इसको देख लिया है, मूंगफली को भी हमने देख लिया है कि इसमें कोई दाना खराब तो नहीं है। कोई दाना खराब या काला हो आप हटा दें। पूरा एक साथ डालोगे मम्मी? गर्म नहीं होते। मम्मी ने मूंगफली कढ़ाई में डाल दी है। मम्मी अब धीरे धीरे चूड़ा डाल रही है। इसे बहुत जगह चूड़ा चूड़ा कहते हैं और जो हम पोहा बनाते हैं वो भी चूड़ा से ही बनाते हैं। तो पोहा बनाने वाला चूड़ा दूसरा आता है पर आपके पास जो है घर पे उसे आप बना सकते हैं। जो भी चूड़ा उपलब्ध हो उससे बना सकते हैं। वैसे नमकीन थोड़े छोटे और मोटे वाले चूड़ा से बनाते हैं। मम्मी ने सबसे पहले मूंगफली को अच्छी तरह से सेक लिया है और कढ़ाई के साइड में चूड़ा डालनी है। आप देखिए इनका तरीका। और थोड़ा थोड़ा चूड़ा को तेल में भूनते हुए साइड में करती जा रही है। बिल्कुल अलग तरीका है मम्मी का चूड़ा बनाने का। हम जैसे जल्दबाजी में सारा चूड़ा को जल्दी तल लेते हैं तो मम्मी वैसा नहीं कर रही है। मम्मी थोड़ा थोड़ा चूड़ा को तल रही है। अब गैस के फ्लेम को मम्मी ने वापस से तेज में कर लिया है। आपको मैं बिल्कुल पास ले जाकर कैमरा को दिखा रही हूँ। कढ़ाई के एक साइड में मम्मी ने चिवड़ा को डाल लिया है आधे और तेल में फिर वापस थोड़ा थोड़ा करके तलती जा रही है। उसे मूंगफली की तरफ साइड में करती जा रही है। आपने इस तरह से शायद कभी भी मूंगफली और चिवड़ा का नमकीन नहीं बनाया होगा, इसलिए मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। धीरे धीरे करके मम्मी ने काफ़ी सारे चिवड़ा को भून लिया है और अब थोड़ा सा ही कढ़ाई के साइड में बचा है। मम्मी अब क्या कर रहे हो आप? अब इसको ढक दे रही हूं, सबसे एक साथ कर ले रही हूं। अब सारे मूंगफली और चिवड़ा को मम्मी ने एक साथ कर दिया है। अब इसे क्या करेंगे मम्मी? बस इसे चलाती रहूंगी थोड़ा देर, 10-15 मिनट। अच्छा, आप इसे अभी 10-15 मिनट तक और भूनेंगे? तो धीमी आंच पे भूनेंगे आप? तो दोनों तरह कर लेती हूँ। अच्छा, तो मम्मी कभी गैस के फ्लेम को तेज कर लेती है और कभी धीमा कर लेती है। बीच में थोड़ा सा कच्चा रहता है, अपने होते जाता है। तो जो थोड़ा बहुत भी, मम्मी कह रही कि जो थोड़ा बहुत भी कच्चापन रहता है
तो वो धीरे धीरे भूनते हुए अच्छी तरह से सिक जाता है और कच्चापन भी चिवड़ा का खत्म हो जाता है। इससे भी और कम तेल डालती हूँ, आज तो थोड़ा ज्यादा रख गया। और थोड़ा सा मूंगफली मम्मी ने मेरी वजह से ज्यादा डाला है, इससे थोड़ा सा तेल मम्मी ने ज्यादा लिया है। पर आप देखें कढ़ाई में बिल्कुल भी तेल नहीं है। मेरी मम्मी ने वैसे 2 बड़े चम्मच ही तेल डाले। इसे बड़े भी चूड़े आते हैं, ये छोटे छोटे हैं। मम्मी बता रही है कि बड़े वाले चिवड़ा भी आप काम में ले सकते हैं, वो भी खूब अच्छा सूख जाता है। खूब अच्छा से छोटे वाले जो भी आपके पास हो आप उससे ये बना सकते। अभी और कितनी देर भूनना है मम्मी? बस हो गया, अब बस मसाला डाल देंगे, थोड़ा देर छोड़ देंगे इसमें। तो मसाले अभी आप डालेंगे या ठंडा होने के बाद? अभी डालेंगे। अच्छा, अभी डाल देती हूँ, थोड़ा बंद कर दूँ गैस को। अच्छा, फिर गैस नहीं बंद करी हूँ। तो ये पूरी तरह से सिक गया मम्मी? हाँ, पूरी तरह सिक गया है। देखो मम्मी, इसका पहचान क्या है? देखो पूरा एकदम पूरा सिक जाता है, कच्चापन नहीं रहता है। अच्छा, थोड़ा सा ये फुला हुआ भी लग रहा है। फुला उला लगता है, सिक जाता है ना, तो थोड़ा फुला पुला लगता है। चाहते कि मम्मी से बहुत पतला चूड़ा आता है, बहुत पतला, उसका भी बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत अच्छा। ये करीब करीब तैयार है, मसाले डालेंगे। बस अब मम्मी कह रही है इसमें कुछ मसाले डालेंगे। मैं इसे चला देती हूँ और आप मसाले डालिए। मैं हाथ से ही डालना पसंद करती हूँ। मम्मी हाथ में ही लेके मसाले डालती है। तो अभी मम्मी ने काला नमक डाला है, करीब 1/4 चम्मच काला नमक है। काली मिर्च है, काली मिर्च 1/4 चम्मच। लाल मिर्च भी हाथ से डालोगे मम्मी? हाँ मम्मी, लाल मिर्च भी हाथ से ही डाल रही है। सेका जीरा है, लाल मिर्च भी 1/4 चम्मच है और जीरा भी 1/4 चम्मच के आसपास ही डाला है। वो जितना क्वांटिटी है उतना डाल सकते हैं। मम्मी कह रही है आप मसाला अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। ये चाट मसाला है और अब चाट मसाला डालेंगी मम्मी। बहुत छोटे साइज की चम्मच से मम्मी डाल रही है, 1 चम्मच, मतलब एक तरह से देखें तो 1/4 चम्मच से भी थोड़ा सा कम है। सादा नमक डालेंगे अब करीब 1/2 चम्मच के आसपास। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसमें धनिया पत्ता प्याज जो आप इच्छा हो सब डाल सकते हैं। और अब मसाले को अच्छी तरह से मम्मी मिला दे रही हैं, जिससे कि पूरे चिवड़ा और मूंगफली में मसाला मिल जाए। जब कभी आपकी इच्छा हो नमकीन खाने की, चाय के साथ या कभी भी ऐसे हल्का फुल्का कुछ खाने का मन हो, तो ये आप नमकीन बना के खा सकते हैं। और ये हेल्दी भी है क्योंकि इसमें मूंगफली है और चिवड़ा है जो कि बहुत ही गुणकारी है। मूंगफली में जैसे आप जानते हैं प्रोटीन वगैरह भरपूर मात्रा में है और चिवड़ा भी बहुत गुणकारी है। हाँ मम्मी, आप बताओ अब इसमें और कैसे कैसे खा सकते हैं? अब इसमें जैसे प्लेट में परस दिए, डाल दिए, उसके बाद में धनिया पत्ता डाल सकते हैं, हरी मिर्चा कट करके छोटी छोटी हरी मिर्चा डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं घस के, और चाहे तो आप प्याज भी बारीक काट के डाल सकते हैं। मम्मी नमकीन के साथ साथ चाय भी बनाने के लिए रख दिए गैस पे। चाय के साथ ये नमकीन बहुत ही अच्छी लगती है। मम्मी इसे एक प्लेट में डाल कर सर्व कर रही है। नमकीन जो बच जाए उसे आप आराम से एक एयर टाइट कंटेनर में भरकर, जब ये ठंडा हो जाए कर इसे रख दे, और गरम खाने की इच्छा हो तो आप इसे थोड़ा सा गरम कर ले, या ये ठंडा भी बहुत अच्छा लगेगा। मम्मी अब इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल रही है, आधा मिर्चा डाल रही हूँ, और बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, और प्याज, थोड़ा सा प्याज स्किप भी कर सकते हैं। और प्याज खाना पसंद करते हैं तो आराम से आप प्याज डाल सकते हैं इसमें, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं टेस्ट करके बताऊंगी आपको ये कैसा बना है। वैसे तो मम्मी बहुत ही अच्छा बनाती है, तो मैं चख के बताती हूँ आपको ये कैसा बना है। बहुत ही बढ़िया बनाया, मसाले भी परफेक्ट है, मम्मी ने अंदाज से मसाला डाला है, और मैं भी जब खाना बनाती हूँ तो अंदाज से ही डालती हूँ। आप लोगों को बताने के लिए मेजरमेंट बताना पड़ता है मुझे, जिससे कि आप जब कभी पहली बार बनाएं तो आराम से मसाला एडजस्ट करके बना सकते हैं। और ये नमकीन आप जरूर से जरूर बना के देखें।
ये मम्मी के हाथ की रेसिपी है, मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी और वाकई में ये बहुत टेस्टी बनता है और बहुत जल्दी बनने वाला नमकीन है। झटपट तैयार करें ये नमकीन को। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए और आप उसे सबसे पहले देख पाएं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अपने नियरेस्ट डियरेस्ट के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, टेक केयर।